सेकेंड फार्मूला पढ़ रहे हैं इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए नोट करके लिखाए थे 7 पॉइंट्स जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहे थे कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म दिखे या रूट अंडर यही रहे तो एक्स को हमेशा ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा पुट करते हैं। तो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स को ए सेक थीटा पुट किया जाता है। इसलिए पुट कीजिए एक्स बराबर ए सेक थीटा। थीटा वेरिएबल है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए कॉन्स्टेंट बाहर सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डी थीटा इधर भेज देंगे तो डी एक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू पुट कीजिए। तो इंटीग्रल डी एक्स का वैल्यू आया है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है ए सेक थीटा यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया तो माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रल ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा और नीचे ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इससे स्क्वायर कैंसिल। इंटीग्रल सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए, और टेंथ में पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है, अब इससे स्क्वायर कैंसिल। इंटीग्रल से वन बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेंगे, वन बाई ए को वन बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर, सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, अब फिर टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, वन बाई ए अब अंदर मिला वन बाई साइन, तो वन बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं लॉग मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स करके फॉर्मूला पढ़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन का वेरिएबल एक्स था, आंसर भी एक्स वेरिएबल में होना चाहिए, तो इसका वैल्यू रखेंगे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का, तो जहाँ पुट किए हैं वहीं से निकालते हैं वैल्यू। देखिएगा ए सेक थीटा इसका वैल्यू है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए उधर भेज दीजिए तो सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए, इसका फॉर्मूला एच बाई बी, एच बाई बी होता है। अब जो है परपेंडिकुलर निकालिए तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा ए है तो ए का स्क्वायर। हमको चाहिए कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा फॉर्मूला एच बाई पी होता है। अब एच हमारा एक्स है और पी हमारा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा का वैल्यू बी बाई पी, कॉट थीटा फॉर्मूला बी हमारा ए है और पी का वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रख दीजिए कॉसेक थीटा आया है एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आया है ए बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, वन बाई ए लॉग मॉड, अब एलसीएम ले लीजिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ एक्स माइनस ए मिला प्लस सी, रूट सेपरेट कीजिए इधर तो वन बाई ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उस फॉर्म में। अब रूट सेपरेट करेंगे वन बाई ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई, रूट अलग अलग कीजिए, रूट एक्स प्लस ए अलग और रूट एक्स माइनस ए अलग कर लिया, वन बाई ए लॉग मॉड। अब देखिए ऊपर भी x माइनस है नीचे भी x माइनस है तो ऊपर नीचे बेस सेम है
तो नीचे के रूट से ऊपर रूट हो जाएगा, तो ऊपर रूट हो गया बाई रूट एक्स प्लस ए प्लस सी, वन बाई ए लॉग मॉड, दोनों पे रूट है, रूट हटने पे पावर क्या हो जाएगा, तो वन बाई, तो रूट इसका हटा दीजिए तो पावर वन बाई टू हो गया। अब लॉग का प्रॉपर्टी है लॉग के एंगल पे पावर हो, तो पावर पहले लिख लेते हैं, तो वन बाई टू आगे आ जाएगा पहले, इंटू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यही फॉर्म है। तो यही फॉर्मूला प्रूफ करना था।